Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajvir Sisodia. And guys, आज से मैं अपना वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था, सीरीज शुरू नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने बताया था कि वर्कआउट शुरू करूंगा धीरे धीरे. अभी कई सारे वीडियोज आने, एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैंने करवा ली है, कल करवा ली, आज रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो कल उसका वीडियो भी डाल दूंगा. तो वर्कआउट सीरीज शुरू नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ. कैसे कैसे कर रहा हूँ, जैसे एक बिगिनर शुरू करता है, 5-6-7 दिन 8 दिन 10 दिन वर्कआउट करूंगा ताकि मेरे जॉइंट्स खुल जाएं, बॉडी को फिर से आदत पड़ जाए थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने की. देन उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज अपनी शुरू करेंगे. दूसरा, अभी 3-4 दिन पहले मैंने डीसी का एक स्टैक मेरा आया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर दिखाया था, तो सारे भाइयों ने मुझे मेल्स भी किए, डीएम्स भी किए, श्रेज प्रो के बारे में पूछा. अभी ये श्रेज प्रो क्या है, देखो ये मेरा पिछले साल का है, लास्ट टाइम मैंने खाया था, अभी शायद एक्सपायर हो गया हो, तो इसको मैं नहीं खाने वाला हूँ. तो नया मैंने मंगवा लिया है. अब ये श्रेड्स प्रो क्या है, मेरे बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि भैया ये श्रेड्स प्रो जो है ये क्या है और ये वेट लॉस में कैसे हेल्प कर सकता है. तो सबसे पहले इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है, श्रेड फैट नॉट मसल. कई बार क्या होता है कि जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी मसल भी लॉस हो जाती है, क्योंकि हम खाना कम खाते हैं, और दूसरा हमारे पास गाइडेंस भी अच्छी नहीं होती, और तीसरा हमारे पास फूड सप्लीमेंट जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते. अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी में फैट रिडक्शन करने में या हमारा फैट लॉस करने में ये कैसे यूजफुल है. तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर श्रेड मैट्रिक्स है, मतलब कि एसिटाइल एल्कार्निटाइन एल्कार्निटाइन एल टार्ट्रेट सी एल ए गार्निशिया कम्बोजिया और रोडियोल एक्सट्रैक्ट ओफियोपोगन एक्सट्रैक्ट. ये सारी चीज़ें आपको फैट रिडक्शन में बहुत काम आती हैं, अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा मैट्रिक्स इसके अंदर डाल दिया. दूसरा इसके अंदर है हमारा एनर्जी मैट्रिक्स, नेचुरल कैफीन इसके अंदर हमको मिल जाती है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाते हैं. अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है जब हम फैट रिडक्शन पे होते हैं तो हम हमारी कोशिश होती है हम कम खाना खाएं और हाई प्रोटीन खाएं, मतलब दिन की 5 मील भी ले रहे हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी हो और उसके अंदर हाई प्रोटीन हो. हाई प्रोटीन मील जो होती है वो बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो हमको थका थका फील होता है, एनर्जी हमारे अंदर कम होती है. तो जब हमारे अंदर नेचुरल कैफीन और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जब जाते हैं तो हमको एनर्जी हमारी हाई रहती है, हमको भूख भी लगती है, तो भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हम कमजोर फील कर रहे हैं. तीसरा इसके अंदर आता है ब्लोटिंग रिमूवल मैट्रिक्स. 5 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी. तो ब्लोटिंग मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कुछ लोग दारू वारू पीते हैं, बियर पीते हैं, उनका बैड लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि अभी मेरे मुंह के ऊपर ब्लोटिंग है, आपको दिख रहा होगा मेरा मुंह जब से मैं जेल से आया हूँ काफ़ी ब्लोटेड है. जैसे मेरा कभी कभी, अभी तो खैर पेट निकला हुआ है, लेकिन जब एब्स होते हैं तब भी मेरे पेट के अंदर ब्लोटिंग कभी कभी हो जाती थी बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल. कभी कभी मेरा खाने का टाइम नहीं, कभी रात को लेट खा रहा हूँ, कभी दिन में जल्दी खा रहा हूँ, तो इस तरह से. तो वो ब्लोटिंग जिन लोगों को होती है उस ब्लोटिंग को रिमूव करने में भी ये डॉक्टर्स चॉइस का जो श्रेड्स प्रो है ये काफ़ी यूजफुल है, तो इसको आप खा सकते हैं. 60 टैबलेट इसके अंदर आएंगी, बहुत फास्ट रिलीजिंग टैबलेट्स होती हैं. 2 टैबलेट आप वर्कआउट से आधा घंटा पहले खा लें, जैसे कि मैं अभी खाने वाला हूँ आधा घंटा पहले, क्योंकि आधा पौना घंटा मुझे जाने में भी लग जाएगा. सो अब चल रहे हैं हमारा, और इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, अभी जल्दी जल्दी इसको बाय कर लें जिन लोगों को करना है. और इसके साथ पहले एक चीज़ और बता दूं कि डाइट अगर आपकी ठीक नहीं है तो ये कोई काम नहीं करेगा. बाद में मुझे मत बोलना भाई हमने वो खरीदा आपका वीडियो देख के और हमारे ऊपर कोई असर नहीं आया. डाइट ज़रूर करनी पड़ेगी, डाइट वीडियो जल्दी जल्दी डाल दूंगा. तो ऑफर इसके ऊपर चल रहा है, वैसे इसके ऊपर जो प्राइस है वो लिखा हुआ है कितना, 2299, मतलब 2300 रुपये, लेकिन 1500 रुपये के आसपास का आपको मिल जाएगा अगर आप 1-2 दिन में खरीदोगे. तो आप जल्दी से चलते हैं जिम, करेंगे थोड़ा थोड़ा वर्कआउट. ऐसे ही वर्कआउट करूंगा 10-12-15 दिन भाई, थोड़ा थोड़ा करूंगा बिकॉज अभी जॉइंट्स में इतनी ताकत नहीं है कि वेट लिफ्ट कर सकूं. तो जल्दी चलते हैं रूबल भाई के पास एंड करते हैं अपना वर्कआउट शुरू. लेट्स गो मेरा भाई, मेरा नुन्नू क्या हाल है? नुन्नू भाई को कहें मैं? ना भाई को ना कहते, नुन्नू. तो गाइस बहुत दिनों के बाद राजवीर भाई मिलने आए हैं. बैग तो रख लें दो, गरीब की पोटली तो रख लें दो, पहले इंट्रोडक्शन. अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे ये रहने दो दर पे सुधा मैं गरीब. व्हाट यू मीन दिस इज नॉट. हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी राजवीर सिसोदिया. और आज 9 महीने के बाद वर्कआउट करने जा रहा हूँ. पहला दिन था तो रूबल भाई के पास आया था, तो मैंने सोचा पहला दिन रूबल भाई के जिम से शुरू करूं, शायद इस जिम से ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि मेरा डोला भी ऐसा कुछ हो जाए. डोले और दिल, हाँ डोले और दिल, हाँ, दिल दोनों बड़े होने चाहिए. तो मैं चैनल पे बोल सकता हूं, लेकिन डोले और दिल, दिल डोले और दिल, ठीक है. तो अभी हम वर्कआउट शुरू करने वाले हैं, डे 1 है भाई. जैसे लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म करो, तो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम वर्कआउट रेगुलर रूटीन में होते हैं तब हो जाती है, क्योंकि हम डाइट कंट्रोल करके अच्छा वर्कआउट करके कर सकते हैं. 9-9.5 महीने से वेट उठाया ही नहीं है, तो अभी शायद पुशअप्स करने में भी मुझे प्रॉब्लम आने वाली है. तो डे 1 से वर्कआउट शुरू कर दिया है. आज मैंने सोचा भाई के साथ शुरू करूं,
तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो वर्कआउट कर रहा हूँ, 10-12 दिन ऐसे ही करूँगा थोड़ा थोड़ा मिक्स, जिसको हम फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वो व्लॉग्स आपको बना के दिखाता रहूँगा, ताकि आपके मेरे बीच में थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे, प्यार बना रहे। तो वर्कआउट शुरू करने वाला हूँ, देन 10-12 दिन करके आपको एक डेट अनाउंस कर दूंगा कि इस तारीख से हम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करने वाले हैं। फिर हर दिन आपको वीडियो मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे बताता जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। 3 महीने बाद रिजल्ट ना मिले तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देना, ठीक है? तो अब हम वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। कुछ रूबल भाई कहना चाह रहे थे, मैंने रोक दिए। जब भी आप लंबे समय के बाद वर्कआउट शुरू करते हो या बिगिनर होते हो, तो आपको क्या होना है, एक दिन में आपको सलमान खान, शाहरुख खान या आर्नोल्ड नहीं बनना है। अभी जैसे बहुत दिनों, 9.5 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो 9.5 महीने के बाद एक दिन में ही आपको वो वाला हिसाब नहीं लगाना कि अरे अच्छा मैं पहले 35 किलो का डंबल लगा था, उठेगा ही नहीं, मतलब ईगो नहीं लेनी है। अभी ईगो नहीं लेनी है यहाँ पे, आपको स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करना है, लेकिन थोड़ा अपनी बॉडी को यूज्ड टू होने दो, थोड़ा मसल्स को पेन जाने दो, थोड़ा उस पेन को फिर कम होने दो। जब भी आप दोबारा से वर्कआउट शुरू करते हैं, स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी है। लो वेट से, मॉडरेट नहीं, लो वेट से हर एक मसल पार्ट को थोड़ा थोड़ा दो दो सेट लगा के आपको ट्रेन करना, और बेसिकली बड़े मसल्स को, जैसे बैक एंड चेस्ट और शोल्डर। तो आज जो राजवीर के हाथ हम वर्कआउट करेंगे, उसमें सबसे पहले सिंपल स्ट्रेचिंग वार्म अप करेगा, उसके बाद पुशअप्स करेगा, उसके बाद छोटे 2.5 किलो के डंबल से मैं इसको डंबल प्रेस, साइड लेटरल और आर्म्स, बस दैट्स इट। ठीक है, तो तुम्हारे भाई ने कर दिया जिम शुरू, आज हैं रूबल भाई मेरे गुरु। तो आज जो आप करवाओगे, वैसे क्या होता है कि जब बहुत टाइम बाद वर्कआउट करते हैं, जैसे भाई ने बोला, तो बहुत कम वर्कआउट करना होता है। अभी क्या है ना कि जोश में आके मैं कहा यार मुझे वो वाले बाइसेप्स चाहिए, 2019 में थे या 2020 में थे, मैं हैवी वेट उठा दूँ, वही ट्रेनिंग कर दूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन दो दिन आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप फर्स्ट डे जिम जाते हो तो वो हाथ सीधे भी नहीं होते हैं। तो जब सीधे नहीं होंगे 3-4 दिन, तो वो 3-4 दिन का वर्कआउट वैसे ही छूट जाएगा, तो उस चीज़ का फायदा क्या? तो जोश नहीं दिखाना है, होश दिखाना है, होश। इंजरी का भी बहुत डर होता है ना, मसल आपकी लूज पड़ी हुई है, आपके वो एनर्जी नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आप उठा लो डंबल, चोट लग जाए। तो अभी करते हैं हम हमारा वर्कआउट शुरू, देखते रूबल भाई आज हमें क्या वर्कआउट करवाते हैं। ठीक, डे 1 है तो थोड़ा थोड़ा करूंगा, करते हैं शुरू। लेट्स गो। So guys, आप जब भी जिम शुरू कर रहे हैं ना, तो दुनिया की बेसिक एक्सरसाइज सबसे पुरानी और सबसे इफेक्टिव पुशअप्स, और पुशअप्स आपको ज्यादा नहीं लगाने भाई, 5-5 के 2 सेट 3 सेट बहुत है, इतने ही लगेंगे, जितने भी लगेंगे, मतलब 5 इनफ है। तो 5 पुशअप्स लगाओ और खत्म कर। बॉडी वेट नापने की मशीन है? हाँ हाँ, तेरा ओवर है। मेरा बहुत ज्यादा ओवर है। तो इसको ईगो पे नहीं लेना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं। वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अरे वाह, यू हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ बॉडी। अभी तो दाने बच्चे हैं, अभी तो बच्चे हैं। तो 3 सेट आप ये कर सकते हैं वार्म अप के, 3 सेट। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमने करी पुशअप, उसके बाद हम लाइट वेट, सबसे लाइट वेट मेरे जिम में 2.5 केजी का डंबल, और ये इनफ है। आप कभी भी वर्कआउट शुरू करें 2.5 केजी तो लगा ही लोगे। हाँ। ये तो वैसे प्रो एथलीट है, तो 2.5 केजी के डंबल से साइड लेटर करेंगे हम 4 सेट 15 रेपिटेशन के। अरे कार्ड की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ना शोल्डर को सबसे पहले स्ट्रेच करना है, क्योंकि शोल्डर इंजरी सबसे ज़्यादा होती है, और मुझे तो सबसे ज़्यादा ही होती है। ये हम स्ट्रेच करेंगे, फिर ये हमने करना, और इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आएगी ना, वो इतनी खतरनाक आएगी, तुम भी गाओगे सर्दी मज़ा आएगा। और एक ये, ठीक है, हो गया। साइड हमने साइड लेटरल रेज करना है। लाइट वेट से थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो तो चलेगा, लेकिन हैवी के साथ मिस्टेक करोगे तो नहीं चलेगा। मिस्टेक तो करनी नहीं चाहिए, चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, कोशिश करो। लाइट में फिर भी इंजरी का चांसेस नहीं रहते। अब क्या होता है कि इसमें लोगों को करनी नहीं आती है, इसमें हमारी पोजीशन क्या होती है, हमारी एल्बो हमारे वेट को ऊपर लेके जाती है। लोग क्या करते हैं, एल्बो वेट को ऊपर लेके जाती है इस तरह। आऊँगा धीरे धीरे फॉर्म में, समझाऊँगा सारी फॉर्म्स भी और टेक्निक्स भी। हो गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी डंबल से, मत रख अभी तो गरम है, खून गरम है, लोहा गरम है, तो मार दे थोड़ा डंबल प्रेस 15 रेपिटेशन के 4 सेट। एक बात बताऊं, अंदर से ये ना डंबल प्रेस
एक सेकंड लगा मुझे याद करने में कि डंबल प्रेस होता क्या। हाँ पता आ गया यार, तो ऐसी रहती मेमोरी जेल की। अभी रखी मत, इसका ना एक सर्किट बना ले, मतलब आपको जब करनी है ना धीरे धीरे लाइट वेट से ये दो तीन एक्सरसाइज परफॉर्म करो, उसके बाद दोबारा से यही रूटीन फॉलो करो, चार सेट लगाओ और ख़त्म करो। मर्जी है आपकी, सिंगल हैंड लगाने हैं दोनों हैंड, 15 रेपिटेशन, 2.5 kg का डंबल इनफ है। पंप हो रहे हैं लड़के के बाइसेप्स, शोल्डर बहुत जल्दी आएंगे। इसकी जो बॉडी की खूबसूरती है ना, मैं सबसे बढ़िया बताऊँ, इसका जो ये अपर पार्ट है ना, बाइसेप्स तो नहीं कहूँगा इसके इतने अच्छे हैं, लेकिन ये जो अपर पार्ट है, शोल्डर अपर चेस्ट जो खिल के आती है ना इसकी बॉडी, मतलब बहुत कम लोगों के पास वो खूबसूरती होती है। बॉडी बहुत दुनिया के पास है, बहुत अच्छी अच्छी भी है, लेकिन अट्रैक्शन जो बॉडी को है ना वो इसके पास अपर बॉडी का बहुत अच्छा है। चेस्ट शोल्डर बहुत अच्छे आते हैं मेरे, और बहुत जल्दी आएगी इस बार, क्योंकि इतना गैप मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं है, कि मैं जिम से 9 महीने से। तो ये चार एक्सरसाइज का चार सेट आपको लगाने हैं, 15 रेपिटेशन, और पुशअप्स के आप 5-5 करके भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिगिनर हो तो, बिगिनर हो तो भाई, जैसे अगर 10 लगा लिए बोल रहे थे कि नहीं लगेंगे, तो आप उसके एक सर्किट पूरा बनाओ और चार सेट चार एक्सरसाइज करो, इनफ है। उसके बाद कार्डियो कर सकते हो, लाइक ट्रेडमिल पे चल सकते हो, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेट हो। गाइस भाई का वर्कआउट हो गया है पूरा, और अभी शुरुआत है, एक हफ्ता भाई ऐसे करेगा, आप भी मिक्स करो एक हफ्ता, और उसके बाद इनकी ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन इनके चैनल पे आएगी, और ये जो भी आपको बताएंगे आप डेडली उसे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये किसी का भी बुरा सोच ही नहीं सकता। क्या बात है, सारी बता दूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियो मुझे बनानी थी, जिसका मैं वेट कर रहा था और जिसके लिए मैंने वेट बढ़ाया था, मतलब बॉडी जब ख़राब हो रही थी, क्यों ना इसको इस लेवल पर ख़राब कर लें कि लोगों को अचंभा हो देख के जब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, तो वो वीडियो मैंने कल बना ली है, जिम में जाके कपड़े छपड़े उतार के मोटा पेट दिखा के, वो वीडियो क्लिप्स मैं रख लूँगा संभाल के, और जब बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, जब दोनों को जोड़ूंगा, तो आपको गूज बम्प्स मिलेंगे कि इतना ड्रास्टिक चेंज, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले भी 2 बार दिखा चुका है, अब 3री बार हो गया। तो दैट्स वाई मैंने किया है, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, 2-3 3.5 महीने लगेंगे। तो ऐसे ही आप भी फॉलो करते रहो, 1-1.5 हफ्ता आप भी मिक्स वर्कआउट कर लो, या जो रूटीन आप करते आए हो उसको फॉलो करते रहो, उसके बाद से आपको नए वर्कआउट मिलना शुरू हो जाएंगे हमारे इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, लव यू ऑल, फिर मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी ना है, टिल देन मत पढ़ो चक्कर में, कोई भी ना है। वैसे तुम्हारा डायलॉग ही चोरी हो गया भाई, तू ही अंदर गया तो गाने बन गए अपने बच्चे, अपने बच्चे सिसोदिया है ना, कोई और होता तो मार देता मैं, सिसोदिया बादशाह सिसोदिया भाई, अपना भाई है, कोई और होता तो मैं काट खड़ी कर देता, बुलंदशहर का सिसोदिया भाई अपना, कोई बात नहीं, अच्छा देसी है वो पूरा, कोई भी ना है टक्कर में, क्यों पड़े हो तुम, ऐसे तो करो, थैंक यू, मिलता नेक्स्ट वीडियो में, बाय।